मैं सुरेंद्र सिंह जीएमएस फोगाट डिस्ट्रिक्ट चरखीदादरी याना से। सर भाई, कौन सा क्षण था जब बच्चों को पढ़ाते समय आपको एक नवाचार की आवश्यकता महसूस हुई? आपसे निवेदन है, कृपया अपने नवाचार के बारे में दो पंक्ति बताने का कष्ट करें। सर, ऐसा है, जब हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे सामने ये समस्या आती है बच्चों को कि वो अच्छी प्रकार से समझ रहे या नहीं समझ रहे। तो मैंने देखा कि जब मैं एसएस पढ़ाता हूँ बच्चों को, कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक उसके अंदर ऐसे होते हैं कि हम वो क्लियर नहीं कर पाते बच्चों को। तो मैंने महसूस किया कि उनको ठीक ढंग से पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हमारे पास होनी चाहिए, कुछ ऐसी विधियां होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा ज्ञान उनको प्रदान कर सके। और इसीलिए मेरे मन में जो नई विचार है। तो सर, आपके अनुसार आपके नवाचार में क्या नवीनता है? मेरे अनुसार मेरे नवाचार में ये नवीनता है कि जो बच्चे पहले अपने आप को हीन समझते थे और वो आगे आना पसंद नहीं करते थे, स्टेज पर आना पसंद नहीं करते थे, वो बच्चे मेरे नवाचार के द्वारा वो आगे आए, स्टेज के ऊपर आए और अपने आप को खुलकर उन्होंने व्यक्त किया और ठीक ढंग से जो है ना वो समझ भी पाए। सर, आपने कब महसूस किया कि आपके नवाचार ने छात्रों में सफलतापूर्वक एक परिवर्तन ला दिया? सर, मैंने ये महसूस किया कि जब मेरा जो नवाचार है, मैंने बच्चों को मेरा जो नवाचार है रोल प्ले एक्टिविटी, और रोल प्ले एक्टिविटीज के द्वारा मैंने बच्चों को खुद अभिनय के द्वारा उनको सिखाया नहीं बल्कि बच्चे खुद ही अभिनय करके सीख रहे थे। और मैंने जैसे यूबीसी का उनको एक रोल प्ले करवाया, बच्चे खुद जज बन रहे थे, वकील बन रहे थे और वो सब करके अपने आप सीख रहे थे और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा था। जब भी मेरा पीरियड आता या मेरा नहीं आता तो वो मेरे से संपर्क करते, सर वो एक्टिविटी कब करवाओगे आप।